हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली और तिल की चिक्की। इसके लिए मैं एक पैन रख चुकी हूँ, गुड़ ऐड कर लेंगे। एक एक ही कप का इस्तेमाल करना है। एक कप भर के गुड़ ली हूँ मैं, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे हम। बस एक दो स्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ। गुड़ को मेल्ट होने देंगे हम, मीडियम फ्लेम रख के इसको मेल्ट होने दीजिएगा। हाई फ्लेम रख देंगे तो जल सकता है ये। देखिए मूंगफली लेके मैं इस तरह से अच्छे से मीडियम फ्लेम में रख के ड्राई रोस्ट करके उसको छिलके निकाल के रख ली हूँ। एक कप मूंगफली लेना है, एक कप गुड़ लेना है और तिल को आधा कप लेना है। सफ़ेद तिल ली हूँ मैं, आधा कप तिल ली हूँ। तिल को भी ड्राई रोस्ट करके रख ली हूँ। इसको हम मेल्ट होने देंगे। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। एक थोड़ा पानी लेके एक बाउल में थोड़ा ऐड करके देखिएगा, ये अच्छे से बॉल बन के सख्त हो जाना है। देखिए बॉल तो बन रहा है लेकिन सख्त नहीं हुआ है। देखिए सख्त हो जाना है ये पानी में डालते ही, हम तोड़ने से टूटना है। जब तक हम इसको मीडियम फ्लेम में रख के मिक्स करते हुए पका लेना है। दोस्तों और एक से दो मिनट पका चुकी हूँ मैं इसको, और थोड़ा पानी में डाल के देखेंगे। आप तुरंत ही एक से दो मिनट के अंदर ही चेक करना है, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। देखिए देखिए इस तरह से आवाज़ आ रही है ना, फट करके इस तरह से आवाज़ आनी है। देखिए ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा, इस तरह से आवाज़ आनी है। अब डाल के देखेंगे तो देखिए इस तरह से आवाज़ आनी है। जब तक उसको पका लेना है। बस आ गया है, अभी ये पक चुका है। अब इसमें हम डाल लेंगे मूंगफली, ऐड कर देंगे। मूंगफली ऐड करने के बाद इसको भी ऐड कर देंगे, तिल को भी। अब इसको भूनते समय एक बात का ध्यान रखना है, मीडियम फ्लेम रख के ही भून लेना है। ये दोनों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, फ्लेम को बंद कर चुकी हूँ मैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप एक ट्रे में एक प्लेट में सेट कर सकते हो। मैं प्लेट को उल्टी साइड से थोड़ा घी ग्रीस करके रख ली हूँ, उसमें सेट कर दूंगी इसको। दोस्तों एक प्लेट पे मैं घी लगा के रख ली हूँ पहले से ही। आपको तुरंत ही इस पर डाल देना है। ये ठंडा हो जाएगा तो बाद में सेट नहीं होगा, गर्म रहते समय ही डाल देना है। तो डालने के बाद तुरंत इसको इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है चारों तरफ से, जितनी से इसकी आपको चिक्की मोटी चाहिए अपनी। दोस्तों इस तरह से स्प्रेड करने के बाद एक बेलन लेके इस तरह से थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको इस तरह से इसके ऊपर बेलने से इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। आपको कितनी मोटी चिक्की चाहिए उतनी मोटी इस तरह से आप फ्लैट कर लीजिएगा इसको। साइड्स में सारे इस तरह से हम कर देंगे। अच्छी तरह से इस तरह से मैं फ्लैट कर चुकी हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। थोड़ा ठंडा होने के बाद कट्स लगा लेंगे। ज़्यादा भी ठंडा मत होने दीजिए, बस हल्का सा ठंडा होने के बाद कट्स लगा लेंगे इसके ऊपर हम। बस 3 से 4 मिनट का वेट करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इस पर हम एक चाकू से आपको जितने पड़े छोटे पीसेस चाहिए इतने कट्स लगा लेंगे हम। देखिए इस तरीके से थोड़ा गर्म रहते ही आप कट्स लगा लीजिएगा इस तरीके से। हम इसे लगा चुकी हूँ मैं, इसको पलट के एक्स्ट्रा निकाल के हम छोटे छोटे पीसेस तरह इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इस तरीके के पीसेस कट करके रख लेंगे हम। कट करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा, अच्छे से ठंडा होने के बाद आराम से निकल जाएंगे। दोस्तों ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, अभी इसके पीसेस हम निकाल लेंगे। ठीक है इस तरह से चाकू से अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा। पहले ही लगा चुके हैं हम इसको, देखिए आसानी से ये निकल जाएंगे, देख सकते होंगे आप। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, ऑयल ग्रीस करके रहते हैं ना हम, इस पर आसानी से निकल जाएगा ये। देखिए दोस्तों मैं सारे पीसेस निकाल के रख चुकी हूँ मैं। अब कट्स पहले ही लगा लेंगे तो ये पीसेस आसानी से निकल जाएंगे। आप चाहे तो नीचे से बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आसानी से पेपर निकल जाएंगे। दोस्तों अगर प्लेट में चिपक रहा हो तो थोड़ा प्लेट नीचे से हीट कर लीजिएगा, आसानी से निकल जाएंगे ये पीसेस। देख सकते होंगे आप कितने कड़क बने हैं घर के, आपको आवाज़ आ रही होगी। देखिए देखिए कितने कड़क बने हैं घर के, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों।
अभी ठंडी का मौसम भी शुरू हो रहा है, इस तरह की हेल्दी रेसिपी आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।